जैसे हमने आपको बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और ये तो हम लोग 11th में बनाते भी हैं, और फिर इसके बाद हम आज सिखाएं कि जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है वो एक अकाउंटिंग करता है, एक नया अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म में बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई पूछे क्यों बनाया जाता है, तो हमने आपको बताया बेटा क्यों बनाया जाता है, तो फाइंड करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, क्लियर है। और ये फाइंड करने का तरीका बताया और इसके फॉर्मेट्स आपको बताए। अब बात आता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के फीचर्स क्या होते हैं, तो बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स भी हमने आपको लिख दिखाए हैं, अब देखेंगे क्या लिखा है। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलता है कि यह एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है पार्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही आगे बनाया बढ़ाया गया है, उसी का एक एक्सटेंशन है जिसको आगे कंटिन्यू किया गया है। लेकिन ये क्यों किया गया कंटिन्यू, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं प्रॉफिट नहीं बनता, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए हमको ये सारे नेट प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन को डिडक्ट करने पड़ते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है, तो इसी का पीएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, यही बात हमने यहाँ आपको लिख के दिया। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड बाई पार्टनरशिप फॉर्म, ये सिर्फ कौन बनाता है पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बनाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस खत्म। ट्रेडिंग बनाता था पीएल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म क्या बनाता है, ट्रेडिंग तो बनाता है पीएल बनाता है बैलेंस शीट भी बनाता है, लेकिन वो एक चीज और नया बनाता है जिसका नाम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यही हमने फीचर्स में यहां दिया है, लिखा इट इज ए प्रिपेयर्ड बाई पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, सिंपल है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर है वही इसका भी नेचर है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है। और फिर हमने लिखा इट शोज द अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ये क्या शो करता है, तो नेट प्रॉफिट और लॉस का एप्रोप्रिएशन शो करता है। एप्रोप्रिएशन मतलब वही कि जो प्रॉफिट हमने कमाया वो किस किस रूप में किस किस नाम से एप्रोप्रिएट किए जाते हैं पार्टनर्स के बीच, तो वही दिखाता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये इसके फीचर्स हो गए, आप इस फीचर्स को देख लेंगे, ये फीचर्स हमने आपको बताया, क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल फीचर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड।